दोस्तों, जिंदगी में कई ऐसे मोड़ आते हैं जब लगता है कि हमारा सब कुछ खत्म हो गया है और इंसान पूरी तरह से निराश हो जाता है। इतना ज्यादा निराश हो जाता है कि वो आत्महत्या कर लेता है, या जिसके कारण ये प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि उनको पता होता है कि किसने मेरे साथ छल किया है, धोखा किया है, उसकी हत्या कर देता है। दोनों ही हाल में आत्महत्या करने में पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है, और आप जब उसकी हत्या कर देते हैं, दुश्मन की हत्या कर देते हैं, तो दुश्मन का परिवार तो बर्बाद होता ही होता है, उसके साथ साथ आप जेल में जाते हैं और आपका परिवार भी बर्बाद हो जाता है। देश में बहुत मिल रहा है, आजकल भी मिल रहा है, ऐसा हो रहा है, लोग कर रहे हैं, निराश हो जाते हैं और ऐसा कदम उठाते हैं। फौज में भी देखते होंगे, सीआरपीएफ में देखते होंगे, सीआईएसएफ में देखते होंगे, सुना है कई बार आप लोगों ने कि उसने ऑफिसर को गोली मार दी। क्यों मार दी, ऐसे कैसे हो सकता मार दी? क्योंकि बर्दाश्त नहीं कर पाया, टॉर्चर बर्दाश्त नहीं कर पाया, छुट्टी नहीं मिला होगा, नौकरी के रिलेटेड कुछ हुआ होगा, तो मार दिया। ये बात उन ऑफिसरों को भी सोचना चाहिए जो आपके ऊपर बैठा हुआ, जो आपको टॉर्चर कर रहा है, चाहे कमांडेंट हो कोई हो, क्योंकि आपको काम करना है एक टीम के रूप में, तो आप उनको टॉर्चर ना करें। तो बहुत मिलता है, कई बार मिलता है, हम देखते हैं क्या हो रहा है, ऐसे कैसे हो गया, मार दिया। तो जिंदगी में कभी भी आप अगर इस तरह से हो तो आप शांत बैठ जाएं, कुछ नहीं करना है, आप शांत बैठ जाएं और उस पर बात ही नहीं करनी है। ये थोड़े दिन के लिए होता है ना, आपको हुआ ऐसा हुआ, हो सकता है थोड़े दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपने जल्दीबाजी में कोई गलत कदम उठा लिया तो आप तो उसको, उसके परिवार को खत्म कर दिया, अपने आपके परिवार को खत्म कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया, और आपके जाने के बाद बहुत बदनामी, आप चले गए लेकिन आपका पूरा खनदान दूर दूर तक पता नहीं क्या क्या निकलेगा, क्या क्या बोलेंगे लोग, और बहुत कुछ निकलेगा, तो सबकी बदनामी। तो कभी भूल के भी एक गलत कदम, बहुत बच्चे लोग स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, उनको अच्छा मार्क्स नहीं मिलता, उसमें देखते नए नए बच्चे, वो अपनी जान दे देते हैं। दुनिया वहां से कहां खत्म हो गया, कुछ नहीं हुआ, दुनिया खत्म ही नहीं हुआ, दुनिया तो शुरुआत हुई। हो सकता है आपके लिए कुछ और सोचा रखा होगा वहां से, कुछ और ये आपके लिए था ही नहीं, कुछ और रहा होगा। मैं केबीसी बहुत साल से चल रहा है और अमिताभ बच्चन केबीसी में आते हैं, तो उनको बंगाल में थे, वो प्राइवेट नौकरी करने के लिए, सरकारी नौकरी करने के लिए भटक रहे थे, उनको नौकरी मिल नहीं रहा था उस समय, किसी भी तरह की कोई भी नौकरी, प्राइवेट तो था ही नहीं, सरकारी भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो वो परेशान होकर, हरिवंश राय बच्चन जी थे फादर उनके, उनके पास गए, उन्होंने कहानी सुनाया था कि जब नौकरी नहीं मिली तो उनके फादर ने बोला कि क्या हुआ नहीं मिला, तो ये तुमने सोच रखा था कि तुम्हें नौकरी करनी वहां पर, गॉड ने कुछ और सोच रखा होगा, तो तुम्हारा सोचा हुआ ज्यादा अच्छा होगा या गॉड का सोचा हुआ अच्छा होगा? गॉड का सोचा हुआ अच्छा होगा, और वही हुआ। आज उनसे बड़ा कोई सुपरस्टार नहीं है, उनके कुछ गलतियों के कारण लोग ट्विटर पे उनको भला बुरा कहता है, क्योंकि वो पेट्रोल के ऊपर आवाज उठाए थे 2014 में, वो भी है कल्प्रिट आज के माहौल के लिए, तो उस पर उन्होंने आवाज उठाए थे, आज उनका मुंह बंद है। मैं भी कई बार उनको सुना देता हूं, कुछ बोलते हैं तो मैं लिख देता हूं कई बार कि अब तो जागो, अब को कब तक सोए रहोगे। तो कहने मतलब जो भगवान ने सोच रखा है वो आपके लिए ज्यादा अच्छा सोच रखा होगा। तो आप मायूस होके कोई गलत कदम उठा लेंगे, हार जाएंगे, जो कर रहे थे उस काम को छोड़ देंगे, तो नुकसान होगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा। आपको और मेहनत करना है, खूब मेहनत करनी है, टारगेट को नहीं छोड़ना है, और आगे बढ़ने के लिए दिन रात मेहनत करना है, उससे अच्छा मिलेगा। और ऐसा हुआ होता है, आप फेल हो नहीं सकते, आपसे बड़ा स्ट्रांग कोई नहीं है, आपसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। दुनिया में लाखों साइंटिस्ट हुए, डॉक्टर हुए, इंजीनियर, हर तरह के लोग नया नया कुछ बनाते हैं,
क्या पता आपके दिमाग में जो हो उनसे भी ज्यादा अच्छा हो। किसको क्या पता है, न्यूटन पेड़ के नीचे बैठ के टॉयलेट ही तो कर रहे थे, क्या कर रहे थे वो पेड़ के नीचे बैठ के, उस समय टॉयलेट तो होता नहीं था। सेब गिरा, सेब गिरने से ग्रेविटी का हो गया उनको, खोज लिए ग्रेविटी क्या होता है जो किसी को पता ही नहीं था, और पूरा दुनिया उसी ग्रेविटी की थ्योरी पे है। और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या क्या किया उन्होंने, कहने का मतलब कि आप जितने भी बड़े बड़े लोग हैं उनके जीवन में कहीं ना कहीं कुछ घटना हुआ, उसके बाद टर्निंग पॉइंट आया है। मुसीबत से घबरा जाएंगे सब कुछ खत्म, वो होता है सबके साथ होता है ऐसा। आप क्या समझते हैं कि मैं आपको लेक्चर दे रहा हूं, बड़ा खुश नजर आ रहा हूं, सब कुछ है मेरे पास, तो सब कुछ एक दिन में नहीं बना है। 52 साल उम्र है तो जिस दिन से इंसान पैदा लेता है उसी दिन से बनना शुरू होता है सब कुछ, और जन्म से पहले से भी बहुत सारे लोगों का। लेक्चर देना आसान है, उसके लिए बैकअप भी होना जरूरी है। अगर बैकअप ना हो तो उसमें भी आदमी का नुकसान होता है। आप मेहनत करेंगे, आपको कोई बैकअप नहीं देगा, बैकअप नहीं होगा तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे, तो बैकअप बहुत जरूरी है। या तो घर से स्ट्रांग हो, घर के परिवार अगर आपको बैकअप नहीं देते हैं तो निराश भी मत करें, आपको हतोत्साह ना करें, आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, इससे भी आगे बढ़ेगा। आप नहीं दो पैसा मत दो, कुछ मत दो, लेकिन अगर आपको प्रोत्साहित करेगा, नहीं बेटा करो आप सब कुछ कर सकते हो, हौसला बुलंद रहना चाहिए, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। कभी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करना चाहिए, जिस दिन करेंगे आप अपने दोस्तों से बात करो, कभी कोई प्रॉब्लम है अपने दोस्तों से खुल के बात करो, दिल में रख के क्या फायदा, कोई प्रॉब्लम है बताइए लोगों को, कोई ना कोई हेल्प करेगा, परिवार के सदस्यों से बात करें वो हेल्प करेगा। पढ़ना बहुत जरूरी है। लोग क्या करते हैं कि हमने पास कर लिया अब क्या करना है, आजकल एक नया ट्रेंड चला हुआ है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पास कर लिया टेक्निकल के लिए काम हो गया, उनको सब्जेक्टिव से मतलब नहीं है। रटा रटा कुछ 1000 2000 10000 क्वेश्चन होंगे लोग रट लेते हैं, और उसके कारण उनका ज्ञान की कमी रह जाती है, वो तो सोचते हम तोप हो गए। आप तोप नहीं हो गए, आपने टेम्पोररी एक अचीव कर लिया है, आपको नौकरी मिल गया, लेकिन ज्ञान नहीं आपके पास। ज्ञान के लिए पढ़ना जरूरी है, अच्छे अच्छे किताब पढ़ें। और जितने भी युवा हैं हमारे देश के बच्चे, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, उनको बताना चाहता हूं कि मात्र 4 साल ही पढ़ना है। आपने जिंदगी में बहुत 16 साल तक पढ़ाई की, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं। आपने क्या पढ़ा नहीं पढ़ा कोई नहीं पूछता, किसी को कोई मतलब नहीं। आपने 4 साल ढंग से पढ़ाई नहीं किया तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, वो 4 साल है 9th 10th 11th 12th, 8वीं तक कोई मतलब नहीं, वो खेल है, खेल खेल में सब लोग पास करते हैं। आपको मात्र 4 साल मेहनत करने पूरे जिंदगी के लिए, आपकी आयु 100 साल भी हो सकती है, और जिसमें आपको नौकरी करना है 40 से 45 साल। अगर आपको टेक्निकल की तरफ जाना है, IIT करना है, BTech करना है, तो उसके लिए सिर्फ 12th की जरूरत है। 12th के बाद आप IIT में चले जाएंगे तो वहां तो प्रोफेशनल कोर्स है, कोई भी पास करता है वहां, जो भी एडमिशन हुआ आज तक बहुत कम लोग फेल होंगे, जो आवारा हो गए होंगे वो फेल हो जाएंगे। और अब बाकी तो आपको पता ही है कितना टाइट और कैसा एग्जाम होता है, तो वहां जो भी गया वो पास करेगा, निकलेगा आगे। तो आपने 4 साल ठीक से पढ़ाई करी है तो वो तो खेलते खेलते हो जाता है, कैंपस की पढ़ाई तो खेल है, आपको स्किल डेवलप किया जाता है वहां पर, सिखाया जाता है। तो जिंदगी में कितना पढ़ना है, मात्र 4 साल, 4 साल मात्र। हाँ, अगर आपने IAS IPS बनना है तो आपको और 3 साल पढ़ने पड़ेंगे, ढंग से ग्रेजुएशन करिए उसके बाद होगा, लेकिन आपको सिर्फ 4 साल का बेस है, उस 4 साल अगर बेस आपने ठीक कर लिया सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवान और देश मेरा बहुत आगे बढ़े, इसके लिए सबको पढ़ना जरूरी है, गरीब से गरीब है,
वो उसको भी, जो अमीर है उसको भी, सब लोगों को। और आप सब कुछ पढ़ें, ज्ञान बढ़ाएं, व्हाट्सएप के ज्ञान पे ना जाए, लोगों के बहकावे में ना आए। आजकल इतिहास को बदल दिया जाता है, तोड़ मरोड़ दिया जाता है, तो उससे नुकसान अपना होगा। कुछ ज्यादा ही पका दिया आप लोगों को, दूसरे मोटिवेशनल वीडियो में हम फिर आएंगे। मैं अपने बारे में बताऊंगा कि मैं क्या हूं, मैं इतना भाषण दे रहा हूं तो मैं यहां तक कैसे पहुंचा, मैं क्या हूं, कहां से हूं, मैं वो बताऊंगा। मैं बहुत एक छोटे से गांव से हूं, जो सोच भी नहीं सकते मैं कैसे गांव से हूं, कहां से हूं और कहां से कहां पहुंचा, पूरे दुनिया में घुमा हूं। तो हम दूसरे वीडियो में बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें, जिससे अपडेट मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।